हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्य। गुड मॉर्निंग। इट्स स्टिल वेरी कोल्ड एंड कोल्ड वेव्स गोइंग ऑन, सो होप यू आर सेफ एंड साउंड। स्टे सेफ गाइज। टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट हाईलाइट इन्फिनिटिव विदाउट टू ग्रामर सेक्शन। इन्फिनिटिव विदाउट टू, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब ये हमने आपको बताया था जब हम इन्फिनिटिव और ये बताया गेरेंट बता रहे थे, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट बताया था वर्ब। आज फिर जान लेते हैं फाइनाइट वर्ब जो होता है वो उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, किस सब्जेक्ट से वो कनेक्ट नहीं रहता और उसके उसके नंबर और पर्सन से कोई मतलब नहीं रहता। तो नो नंबर नो पर्सन और सब्जेक्ट इज नॉट कंबाइंड विथ इन्फिनिटिव इज नॉट कंबाइंड विथ एनी सब्जेक्ट, और इससे कोई नंबर नहीं होता, कोई पर्सन नहीं होता, इसको इनफाइनाइट इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं, इनमें इन्फिनिटिव में जेरेंड आते हैं और ये इन्फिनिटिव जेरेंड और पार्टिसिपल ये तीन जो है ये इन्फिनिटिव में आते हैं। इन्फिनिटिव में ये तीन आते हैं, कौन कौन? जेरेंड आते हैं और पार्टिसिपल आते हैं और ये इन्फिनिटिव जो खुद है वो आता है। तो हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव होता क्या चीज़ है। तो एक चीज़ हमने ये बताया कि इसमें ये सब्जेक्ट से कंबाइन नहीं होता है और इसका पर्सन नहीं होता ना नंबर होता है। और इसमें हम जो स्पेशली जानते हैं बहुत से इनफाइनाइट, जैसे ही इज नॉट अफ्रेड टू डाई, ही इज नॉट अफ्रेड टू डाई। तो टू डाई जो है ये क्या है? इन्फिनिटिव हुआ। टू डाई जो है वो इन्फिनिटिव हुआ। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट वर्क, ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट वर्क, ही इज नॉट अफ्रेड टू डाई। टू डाई और प्लस भी वर्क बराबर होता है इन्फिनिटिव के। तो उसको तो हम पढ़े, कई जगह हमने लेक्चर में डिटेल में बताया है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं कि बहुत से इन्फिनिटिव होते हैं जो बिना टू के होते हैं, मतलब टू उसमें छिपा रहता है, टू इसमें छिपा रहता है। इन्फिनिटिव उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, उसमें टू जो है छिपा रहता है। ये विदाउट टू का मतलब होता है टू जो है डिले रहता है, छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आई वॉच्ड हिम गो, आई वॉच्ड हिम गो। तो जैसे अब इसको हमने लिखा आई वॉच, वी वॉच यू गो, आई वॉच हिम गो। अब यहां हम गोइंग नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो ये गो जो है इसमें टू छिपा हुआ है, टू गो, आई वॉच हिम टू गो, ये जो टू यहां पर छिपा हुआ है। तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं उसको इनफाइनाइट इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब विदाउट टू, बिना टू के ये होते हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है लेकिन इन्फिनिटिव नहीं लगता, इन्फिनिटिव नहीं लगता। वैसे वर्ब ये हैं जैसे वॉच है, मेड वॉच है, मेड है, हियर है, सी है, नीड है, डेयर है, फी देट बिहोल्ड नो। और ये इसमें इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो है जो वर्ब आएगा उसमें टू लगना चाहिए लेकिन नहीं लगता है। इसके कई उदाहरण हम आपको देखते हैं। जैसे यस, जैसे बताया कि आई वॉच हिम गो,
आई वॉच हिम गो, तो आई वॉच हिम टू गो नहीं होगा बल्कि गो होगा, टू छुपा हुआ होता है, जैसे आई हर्ड हिम स्पीक, राइट, आई हर्ड हिम स्पीक। तो यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये तो ठीक है, यहां पर इंफिनिटिव लगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आई हर्ड हिम स्पीक, तो आई हो गया, हर्ड हो गया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, और इसके बाद स्पीक आया, ये तो ये जो स्पीक आया वो इसमें टू छिपा हुआ है, टू जो है यहां पर छिपा हुआ है, इसमें इसमें आई हर्ड हिम स्पीक, इसे टू का प्रयोग नहीं होता, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, जिसमें टू छिपा हुआ, आई हर्ड हिम स्पीक, आई हर्ड हिम टू स्पीक नहीं, आई हर्ड हिम स्पीक, तो ऐसे बहुत से हैं, आई हर्ड हिम स्पीक, और आई सा हिम टेक एम विथ हिज राइफल, आई सा हिम टेक एम, आई सा हिम टेकिंग एम नहीं है, आई सा हिम टेकिंग एम नहीं, आई सा हिम टेक एम, आई सा हिम टेक एम, आई सा हिम टेक एम। अब यहां पर टू छिपा हुआ था, टू टेक एम, तो इसमें टू छिपा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू, अगर टू रहता तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं, लेकिन इसको विदाउट टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। बहुत सुंदर है, वी बिहोल्ड द सनराइज, वी बिहोल्ड या वी बिहेल्ड, बिहोल्ड, वी बिहोल्ड द सनराइज, वी बिहोल्ड द सन टू राइज नहीं होगा, सन टू राइज गलत है, वी बिहोल्ड द सन राइज या राइजिंग भी नहीं होगा, तो टू इसमें छिपा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफिनिटिव विदाउट टू। जैसे और एक उदाहरण देते हैं, वी मेड हिम कम, दे बेड मी गिव, तो इस तरह से जो इसमें वर्ब होते हैं, ये वर्ब जो है इसमें के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है इन्फिनिटिव आना चाहिए, लेकिन टू इसमें छिपा रहता है, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। अच्छा, एक और दूसरे कॉलम में हम ये समझ सकते हैं, जैसे और ये जो वर्ब अभी हम आपको इस लाइन में दे रहे हैं, ये डिफिनिटिव वर्ब से। अब देखिए, ये तो आपको समझ गया कि इन्फिनिटिव समझ गया, इन्फिनिटिव क्या होता है, तो इन्फिनिटिव विदाउट, पहले हमने देखा कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जिसमें टू प्लस थ्री वन होता है उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये टू प्लस थ्री वन होगा तो ये इन्फिनिटिव बनाएगा, इन्फिनिटिव, जैसे टू गो, टू वॉक, ऐसे ये जो है इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो अभी तो हमने देखा कुछ वर्ब हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके ऑब्जेक्ट के बाद जो है इन्फिनिटिव आना चाहिए, नहीं आता तो उसको इन्फिनिटिव विदाउट टू बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख लो, आई आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, ट्रेडिशनली आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई के साथ सेल, आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और बाकी के साथ बी का प्रयोग होता है, यू प्लस थर्ड पर्सन
विंड का प्रयोग होता है, लेकिन जब ये उलट जाता है तो ऐसे होता है आई विल गो। सपोज अगर यानी क्योंकि आई विल गो तो होना चाहिए कि आई शैल गो, लेकिन अगर आई विल गो हो तो उसका मतलब अर्थ दूसरा निकलता है। क्या निकलता है? आई आई एम विलिंग टू गो, इसमें मतलब आई एम डिटरमिन्ड टू गो। अगर सीधे जो है ही रहता तो यहाँ फ्यूचर टेंस का बोध होता, लेकिन यहाँ फ्यूचर टेंस का बोध नहीं हो करके किस चीज का बोध हो रहा है? इंटेंशन का बोध हो रहा है। आई विल गो का मतलब आई एम इंटेंडेड टू गो, आई एम विलिंग टू गो। तो यहाँ विलिंग का बोध हो रहा है, न कि फ्यूचर टेंस का बोध हो रहा है, फ्यूचर टेंस का बोध नहीं हो रहा है। इसी तरह से शायद के साथ यहाँ जो है ये ऑर्डर का बोध हो रहा है, फ्यूचर का बोध नहीं हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है। ही शैल गो, ही शैल गो। तो ये इन दोनों में टू छिपा हुआ है, जैसे ही शैल गो का मतलब ही इज ऑर्डर टू गो, ही इज ऑर्डर टू गो, या सी इज ऑर्डर टू गो, और यहां पर आई एम इंटेंडेड टू गो विलिंग है। समझ आया कि नहीं? यही वजह है जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ शायद विल का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर का बोध होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकंड पर्सन के साथ अगर सेकंड और थर्ड के साथ शायद विल का प्रयोग करें तो एक से विलिंग का बोध होगा, विलिंग, और दूसरे से जो है ऑर्डर का बोध होता है। ठीक है, और डिफेक्टिव वर्ड्स हैं, डिफेक्टिव आप हिंदी फर्स्ट जिसको कहते हैं आई शुड गो, तो आई शुड गो यहाँ भी इन्फिनिटिव छिपा हुआ है, यहाँ इन्फिनिटिव छिपा हुआ है, यहाँ भी इन्फिनिटिव छिपा हुआ है, टू छिपा हुआ है। आई शुड गो का मतलब आई ऑट टू गो, ये ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको जाना चाहिए। आई शुड गो दैट इज बाई मॉरल ऑब्लिगेटी, आई मॉरली ऑब्लाइज टू गो, तो यहाँ भी टू छिपा हुआ है। कैन और कुड से एबिलिटी का बोध होता है, तो आप इसको कहते हैं आई कैन गो, आई एम एबल टू गो, नहीं और आई एबल टू गो ऐसे होगा, तो यहाँ एबिलिटी का बोध होता है। तो यहाँ भी छुपा हुआ, यहाँ भी क्या हुआ? टू छुपा हुआ, और यहाँ भी टू छुपा हुआ। जैसे आई मस्ट गो, आई मस्ट गो का मतलब आई एम कंपाउंड, आई एम बाउंड टू गो, I must go, I am compelled to go, या I am bound to go। तो यहाँ पर भी टू छिपा होगा, यहाँ पर टू छिपा होगा। आई मे आर माइट गो, मे से परमिशन का बोध होता है, उस माइट से भी, तो क्या होगा? आई एम परमिटेड टू गो, आई एम परमिटेड टू गो, या आई माइट परमिटेड टू गो। और आई डिड गो का मतलब हो गया आई गो, आई डू से हो गया आई गो, और आई डिड गो का मतलब हो गया आई वेंट। तो ऐसे इसमें छिपा रहता है, टू जो है इसमें छिपा रहता है, टू इन्फिनिटिव जो है वो इसमें छिपा रहता है। आई डिड गो का मतलब यहाँ पर छिपा हुआ है, टू छिपा हुआ, यहाँ पर टू छिपा हुआ, तो सब में टू छिपा हुआ है। तो ये भी क्या कहते हैं कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसको भी क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो ये दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट और इसमें आप देखें कि रादर का जब प्रयोग करते हैं तो भी इसमें इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। जैसे आई हैड रादर गो, यस बेटर और रादर, और जैसे आई हैड बेटर गो, सी इज रादर स्टे,
तो यहाँ जो स्टे है और गो है, इसका मतलब है टू गो, इसका मतलब है टू स्टे, इसका मतलब है टू स्टे, टू स्टे टू गो। इसे आई हैड बेटर गो, इसका मतलब है कि आई हैड बेटर टू गो, और सी हैड, सॉरी सी हैड, सी हैड रादर स्टे, सी हैड रादर स्टे का मतलब होगा सी हैड टू स्टे होगा। यही इन्फिनिटिव, यहाँ भी यही चीज है, विदाउट टू। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें भी इन्फिनिटिव विदाउट टू है, और ये टू इज लेफ्ट आफ्टर द कंजंक्शन दैन। तीसरा पॉइंट है कंजंक्शन जब दैन लगता है तब टू विदाउट टू का, इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। जैसे ही इज बेटर एबल टू वॉक, ही इज बेटर एबल टू वॉक, एबल टू वॉक than run। तो यहाँ ये जो than run है, यहाँ पर टू छिपा हुआ है, than to run। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव जो है छिपा हुआ है। तो ये तीसरा चौथा पॉइंट हुआ कि he is better able to walk than run। तो इसमें छुपा रहता। और एक जगह है जब बट का प्रयोग होता है, जैसे ही डिड नथिंग बट लाफ, ही डिड नथिंग बट लाफ, he did nothing but laugh, laugh। तो he did nothing but अब यहाँ पर छिपा है to laugh, यहाँ भी infinitive without to होगा, यहाँ पर to है लेकिन लिखा नहीं जाता। he did nothing but laugh, he is better able to walk than run, he is better able to walk than run। के यहाँ टू रन होना चाहिए लेकिन यह छिपा होता है, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता। तो गाइस ये हमने जो बताया है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो टू या इन्फिनिटिव में लगता है टू प्लस वी वन, ऐसे जगह में उसको ओमिट कर दिया जाता, नहीं लगता है। ये तो ये कॉमन एरर्स में आपको अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़िए, और इसको आप लोग बार बार देखते रहिए, बिकॉज ग्रामर की चीज़ है। ग्रामर मस्ट बी स्टडीड रेगुलरली, कंसिस्टेंटली एंड डेली, डेली रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, थ्री वर्ड्स याद रखिए। और ग्रामर एक दिन देखने से नहीं आता है, यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, आपको करना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, आपको देखने से नहीं आता, तो ट्राई टू लिसन दिस, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।